आज मैंने सोचा कि भाई हम एक बच्चे की प्लानिंग करें मेरी वाइफ के साथ में। वे? एक क्लिप में ये सिर्फ प्रेग्नेंट होगी भाई, मैंने तो सोचा था कि भाई हम इससे बात करेंगे। और अब देखो गुड्डू आ गया, जा जा लो लो गुड्डू और ले खेलेगा मेरा बच्चा वो टोपी का भाई। इसने मुझसे $1500 लिए और इसने मुझे ये बोला कि भाई वो कैफे, अबे मेरे को क्यों मारने आ रहा है भाई, ये कैसा बाउंसर है मेरा। हेलो आगे बड़ा नाम और स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम आप इसे खेलेंगे इंटरनेट कैफे सिमुलेटर द्वितीय। और लास्ट टाइम जो अपडेट हुआ था उसके अंदर मैंने तुम्हें दिखाया था कि भाई हमें एक फ्रिज मिला है नया वाला, इसमें खाना कम पड़ा है, खाना डाल देते हैं इसमें हम जल्दी से, ठीक है। तो और साथ के साथ हमें राइट साइड में अपनी वाइफ भी लेती है और साथ में ये हुक्का जो कि हमें सुबह फ्रेश होने के काम में आता है, ठीक है। तो मेरी वाइफ मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, इसी करके भाई तुम्हें इसका फर्स्ट पार्ट देना देखना पड़ेगा, यानी कि जो इससे पहले पार्ट आया था वो देखना जरूरी है। और ये दरवाजा इसने खोल रखा है, मैं इससे बहुत दिन बाद दरवाजा बंद करके आएगा, दरवाजा ना बंद कर देगा, ये वाला डोर ना ये बंद कर देगा, पर ये नहीं सुनती, पीछे से कोई बंदा गुजरा। तो देखो आज मैंने सोचा कि भाई हम एक बच्चे की प्लानिंग करें मेरी वाइफ के साथ में, और इसको मैंने पैसे दे रखे कि खर्चा पानी अपने निकालती रहे, ठीक है। बैठे बैठे चलते हैं अपनी शॉप के ऊपर, वहां देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो शॉप पर चलते हैं और शॉप पर जाकर देखते हैं कि क्या हाल है वहां के। तो मैं आ चुका हूं अभी नीचे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि फर्स्ट जब अपडेट हुआ था ये, तो इसमें मेरे को मेरी वाइफ मिली थी और मैंने कुछ चीज़ें अपडेट कर ली थी और कुछ चीज़ें मेरी अपडेट नहीं होती, इस करके मेरा डाटा उड़ गया था। और यहाँ से हम हॉट डॉग खा लेते हैं, खाना खुना खाना पड़ता है, नहीं तो भाई हमारी ना गेम जाती है। और यहाँ पर मैंने ना एक गेमिंग शॉप भी देखी थी जहाँ पर सट्टा सुट्टा लगता है, तो ये है वो जगह। और यहाँ पर ना मैं बहुत सारे घोड़े देख रहा हूँ, वैसे ना एक घोड़े पे मैं पैसा लगाने वाला, तो ग्रीन वाले पे लगाया, तो ये डर सही लग रहा है मुझे। तो मैंने इसके ऊपर $100 लगा दिए और डेढ़ एक मिनट में भी मैच शुरू होने वाला है, तो इसमें ना वेट मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या होता है हमारी रेस का, $100 के कितने रुपए बनते हैं हमारे। और तुम इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लो, काफी ज्यादा मजेदार था, मजा आने वाला है उसमें। तो चल तो देखते हैं भाई रेस में क्या होगा। तो भाई रेस अभी शुरू होने वाली, 4 सेकंड रह गए, सिर्फ 4 सेकंड बाद में रेस होने वाली है और हमारा घोड़ा इसके ऊपर फ्लैश होने वाला। तो देखो सामने की तरफ दिख रहे तुम्हें घोड़े कितने सारे, तो 5 घोड़े हैं और ये रेड वाला पहले पे, भाई ब्लैक वाला पहले पे चल रहा है, और जो हमारा ग्रीन वाला भाई साहब है 5वें नंबर पे चल रहा है भाई। दौड़ क्या कर रहा है भाई साहब, अबे इस ये मेरा जो घोड़ा है ना भाई वो लिस्ट में जो टीवी में ही नहीं दिख रहा भाई, अभी पहले नंबर पे जो दौड़ रहा है ना वो घोड़ा वो काले वाला, और रेड दूसरे नंबर पे, और ये दूसरे तीसरे नंबर पे एक अदर घोड़ा, ठीक है। चौथे नंबर पे आ गया था मेरा हरे वाला घोड़ा, पता नहीं कहाँ वापस भाई 5वें पे पहुंच गए, ये 5वें पे ही टिका हुआ है। मुझे ना इससे अच्छा ब्लैक वाले घोड़े पे लगा ले चाहिए था पैसा, ठीक है, सारा का सारा, पर ठीक है। तो भाई ब्लैक वाला ये पीछे हो चुका है अभी, और अभी रेड वाला घोड़ा फिर भी आगे भाग रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई मेरा हरे वाला घोड़ा यहाँ पर कहीं दिखने भी वाला है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पीछे रह गया होगा भाई, वो तो आ ही नहीं रहा, वो 5वें से उठ ही नहीं रहा कि 5वां 4वां तीसरा आए, वो 5वें पे ही अटका हुआ है। लग रहा मैंने गलत घोड़े जॉकी पर पैसा लगा दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी तो ये $100 है, $100 हम कोई बात नहीं, चलता रहता है यार, हार जीत इसमें चलती रहती है। तो मैं बोल रहा था कि अभी मैं सोचा इसके बाद में जाता हूँ, मुझे पता है मेरे को हार जाना है, तो मैं जा रहा हूँ अभी इसके बाद में अपने शॉप पर देख के वहाँ पर क्या करेंगे। तो ये वाला भाई जो कि जीत चुका है, रेड वाला दूसरे नंबर पे आया, तो विनर तो हो गया भाई उनका चिकन डिनर, और हमारे वाला घोड़ा कहीं भी नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा। तो चलते हैं भाई अपनी शॉप पर और वहीं देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी आ चुका हूँ मैं शॉप पर, शॉप बंद पड़ी थी, ठीक है, शॉप मैंने ओपन कर ली है और मैंने कुछ अपडेट कर लिए थे, जैसे कि ना मैंने ये कलर कूलर चेंज कर लिया था यहाँ पर, और ये मैंने शॉप ओपन करके ही चला गया था जैसे ना। तो अभी पहले बिल भर लूँ भाई, क्योंकि हर बार ना पेनल्टी बच जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है मुझे। तो $200 इसको देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी 300 के है, ठीक है, इसे काटो। और यहाँ पर और क्या है, ठीक है। तो अभी ये तो कैफे की रेटिंग रूटिंग की बात हो रही, कैफे ओपन कर लेते हैं हम। तो कैफे हमारा अच्छा चल रहा है अभी, थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा चलेगा थोड़े टाइम में, क्योंकि इसमें ज़्यादा बंदे आने लग जाएंगे ना इसी करके। तो ऊपर चलते तो मैं दिखा दूँ, देखो नीचे जो लाइटें दिख रही हैं LED, ये ब्लू वाली मैंने लगा दी थी, नहीं है ना। चलते हैं भाई, इसमें ना कुछ बंदे आने वाले हैं आज, तो मैं एक चीज़ में देखने आता है ये वो ये कि यहाँ पर जो लाइट है ना मैं चेंज कर लूँ। तो ये जो ब्लू वाली ना ये अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई रेड लगा लूँ, रेड अच्छी लगेगी, ठीक है, तो रेड लगा लेते हैं। तो अभी बंदा आ गया एक, ठीक है, तो रेड वाली मैं देख लूँ पहले, देखो लाइट कितनी ज़्यादा अच्छी लगी रेड वाली, इसे मैंने रेड वाली लगाई है। तो अभी कस्टमर भी आ चुके हैं यार, कस्टमर को भाई मैंने ना एक्सेस भी देना है, तो एक्सेस दे देते हैं हम इसे। तो चलो भाई एक्सेस कुछ बंदों को दिया, और देखो कुछ चीज़ें हमारे पास खुल भी गई है, ठीक है। तो ये देखो औरों को एक्सेस दे देते हैं, तो इसे एक्सेस दे दिया मैंने, ठीक है, और इसे देते हैं अब काट, चलो भाई, ठीक है। और ये देखो पीछे की तरफ हमने RGB लाइट लगा रखी है, तो ये लाइट है भाई LEDs काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अपडेट होने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये पांडा हमारा लगा है काम पे, और क्या होगा भाई आग सी लग गई भाई, कहीं रुको रुको एक मिनट आग वाली आवाज आई, तो ये ठीक है भाई, हो हमने फायर ट्रैकर लगाया था ना, फायर डिटेक्टर, उससे हमारा एक काम हो गया कि भाई अगर कहीं भी PC में वहाँ आग लगती है ना, तो वहाँ से हमें ना कुछ भी बुझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो मेरे पास पुराना PC पड़ा है ना, एक मैंने रख रखा है इधर,
तो उसी करके भाई आग लगी थी वो, उसे मैं चेंज कर दूंगा कुछ टाइम में। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई मैं घर चल जाऊँ यहाँ से यार, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया और मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी घर पर। और ये पांडा नाचने में लगा हुआ है, ये बेगर पता नहीं क्या बोल रहा है, रुको इससे बात कर लेते हैं। तो भाई ये बेगर बोल रहा है कि भाई एक जो कैफे वाला है ना, ये वाला ये कैफे है भाई तुम्हारे, ओ भाई इसने ये क्या करा दिया भाई, लाइव कैफे में इसने तबाही मचवा दी है। ओ भाई साहब इसने गेम करा दी, इसने मुझसे $1500 लिए और इसने मुझे ये बोला कि भाई वो कैफे, अबे मेरे को क्यों मारने आ रहा है भाई, ये कैसा बाउंसर है मेरा भाई, मुझे मारने के लिए आ रहा था ठीक है। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो कैफे है ना वो हमारे अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर है, उस कैफे हमारा कॉम्पिटिटर था तो उसकी ना गेम करवा दी है बेगर ने, तो उसे हमने ₹500 दिए थे C4 के लिए, यानी कि C4 एक्सक्लूसिव लेने के लिए, और उसके बाद में उसने वो C4 एक्सक्लूसिव उस कैफे में रख दिया और उस कैफे को उड़ा डाला है। और मैं वो कैफे देखने जा रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हंगामा हुआ है भाई, क्या तबाही मची है। तो मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, और बात इतनी सी थी भाई ये कैफे वाला है ना भाई बेगर को ना परेशान करता था, यानी कि ना उसे पैसे पुसे नहीं दिया करता था, बस इतनी सी बात पर भाई बेगर ने इसकी गेम करवा दी है। तो आ चुके हम दूसरे फ्लोर पे, यही है वो कैफे। ओ भाई साहब इसमें तो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा हो भाई, ये तो कैफे मालिक तो भाई मर चुका लग रहा। और ओ भाई इसकी तो पूरे कैफे की भाई ऐसी की तैसी फिर चुकी, सारा कैफे भाई इधर उधर बिखर गया। ओ रुको रुको एक मिनट, ये बंदा जिंदा है क्या भाई, जिंदा है, इसके लिए एम्बुलेंस मंगा दो यार, ये जिंदा भाई तड़प रहा है, देखो गर्दन इसकी घूमे जा रही है। हाँ भाई जिंदा है ना यार तू, भाई मेरी गलती नहीं है इसमें। ओ भाई ये लड़की भी देख रहे हो, ये लड़की भी उड़ी थी ना उसमें लड़के की, भाई गए देखो कहाँ जाकर फंस गई है लड़की, ये देखो यार लड़की का हाल बहुत बुरा है ना, एक मशीन के नीचे, आग मशीन के नीचे फंस गया। मैं निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे पे ना खून का नाम आ सकता है कि सारी हत्या मैंने की है। तो मैं जा रहा हूँ भाई साहब अभी अपने घर पर, और ठीक है मैं अपने फ्लोर घर पर जाता हूँ, मेरी भाई वाइफ वेट कर रही है। अब जब से मेरी शादी हुई ना तब से भाई मैं घर पर जल्दी चल जाता हूँ, जरूरी है भाई बीवी बच्चे भी तो देखने ना मैंने, ठीक है। तो भाई ये लिफ्ट को क्या हो गया, चल नहीं रही क्या ये लिफ्ट, अबे ये लिफ्ट भाई प्रेस तो कर दिया, क्या होगा इस लिफ्ट को बता। ठीक है अब चलिए। तो ये लिफ्ट में भाई थोड़ा दिक्कत सी आ रही है, लग रहा भाई इसे भी चेंज कराना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं अपने घर पर, आ चुके हैं अभी हम, इस दरवाजे को खोलो और इसे कर दो अब बंद जल्दी से। चलो ये देखो डोर भी खुला है, देखो कितना पैसे वाली दिख रही है मेरी बीवी, देखो फ्रिज खोल के चली गई है, ये मैंने खोला था भाई सुबह, मुझे याद भी नहीं है शायद से मैंने खोला था। भाई बंद हो जा भाई, ठीक है बंद हो गया, ये डोर भी बंद कर देते हैं क्योंकि भाई कोई घुस जाए, ठीक है। तो आ गया, मैं इससे बात कर लेता हूँ बच्चे के लिए, तो बच्चा करना है हमने, तो बच्चे के लिए मैंने बात कर लेते हैं इससे। हाँ तो भाई एक क्लिप में ये सिर्फ प्रेगनेंट होगी, भाई मैंने तो सोचा था कि भाई हम इससे बात करेंगे, बात करने के बाद में रात होगी, रात के बाद में अगले दिन प्रेगनेंट होगी, तीसरे दिन बच्चे की भाई शुरुआत होगी। ये भाई साहब भाई इसने तो भाई से एक क्लिक में भाई से प्रेग्नेंट कर दिया भाई, क्या चल रहा है इस वाली गेम में। चलो भाई अपा चलते हैं सोने, मे भी अब कल बच्चा ना आ जाए, एक हफ्ता तो लेना चाहिए उसे भाई। तो मैं चल आ गया हूँ अभी सोने अभी अपनी, तो ठीक है सुबह हो चुकी है और मैं अपना भाई एक्साइटेड हूँ इस वक्त, भाई मेरा बच्चा आ चुका। ओ टियो भाई साहब हमारे घर में गुड्डू आया है, ठीक है। तो भाई ये मेरा बच्चा है, देखो एक ही एक अकेले ही दिन भाई बच्चा पैदा हो चुका है हमारा, ये एक एक लिम में मेरी वाइफ प्रेगनेंट हो गई थी, और अब देखो गुड्डू आ गया, आ जा लो लो गुड्डू और ले खेलेगा मेरा बच्चा, वो टोपी भाई ये कैसा बच्चा भाई, इतनी जल्दी चलना सीख गया ये लग रहा है मुझे तो भाई, अगर आज सोऊंगा ना मैं तो अगले दिन तो ये भाई कमाने खाने लग जाएगा ये। तो भाई जो भी है ठीक है, तो हमारा बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा है, और ये देखो ये हमारी वाइफ है, इसका नाम मैं बताऊंगा नहीं, वैसे तो भाई इसका नाम प्रीति जिंटा रख लेते हैं। तो मैं इससे बात करता हूँ, एक और बच्चे की तैयारी करेगा ठीक है, तो इसे मना कर देगा भाई हमें एक बच्चा बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं बच्चा करना ठीक है। तो इसको मैंने पैसे दिए थे, वो पैसे भी इसके पास रखे हुए हैं, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई शॉप पर चले जाएँ और वहाँ पर ही अपना काम करते हैं ठीक है। तो देखो हमारा बच्चा भाई कितना चला अच्छा है, गुल्लू लुचा ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ शॉप पर, मैं सोच रहा हूँ भाई जाकर शॉप पर काम कोम देख लूँगा ठीक है। और आज की गेम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरी वीडियो में ठीक है। और तो मैं अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर भी कर दो, और भी गेम्स वाली सीरीज चलती रहती है भाई, एंड्रॉयड गेम्स में खेलता रहता हूँ, तो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो एंड्रॉयड गेम ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।